इस वीडियो में हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी को डिस्कस करेंगे, उसके समझेंगे उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, या इसको कहते हैं इक्वेशन विच कैन बी फैक्टराइज। ठीक है, तो अब हमारे पास सपोज करते हैं कि एक इक्वेशन दी हुई होगी जो कि ये पी एन पी वन पी एन माइनस वन, ठीक है, पी टू पी एन माइनस टू, इस तरीके से आपके पास इक्वेशन होगी। और हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को, जिसको मैं इक्वेशन वन लिखता हूँ, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगी और nth डिग्री होगी इसकी, तो इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज़ करेंगे। हम इसको फैक्टराइज़ करके हम पी पी आर आर वन पी आर टू और ऐसे चलता रहेगा पी आर, ये इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे r जो होगा वो फंक्शन होगा, जो हमारा यहाँ पे r जो चलता रहेगा ये फंक्शन होगा x और y का। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हर एक इक्वेशन को, यहाँ पे जो आएगा हमारा इसको ज़ीरो के इक्वल रखते जाएंगे। ठीक है, इन सभी को ज़ीरो के इक्वल रखते जाएंगे और फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो हमारे पास कुछ फंक्शंस आएंगे इस तरीके से, एक्स वाई की फॉर्म में, और हमारे पास यहाँ पे सी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सी कांस्टेंट रहता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके बाद जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इन सबको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास इस तरीके के यहाँ पे फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास जितने भी सी होंगे, जो सी वन है, जो सी टू होगा, जो सी थ्री होगा, ऐसे ही सी एन होगा, उसको हम सी मान लेंगे। ठीक है, एक कांस्टेंट सी मान लेंगे, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा एफएक्स एफ वन अगर है वो तो एक्स वाई सी में। ठीक है, और अगर एफ टू था वो तो एक्स वाई सी। तो इस तरीके से हमारा एन फंक्शन तक इस तरीके से ये चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, सब में ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी मान लेंगे उसको। उसके बाद हम इस सारे इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे हम इसे। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास वो हमारी हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो फर्स्टली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन होगी, उसको मैं फैक्टराइज़ करूँगा, फैक्टराइज़ करने के बाद उसे इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। फिर मैं जितने भी सी मिलेंगे मुझे वहाँ पे, उन सबको एक इक्वली सी मान लूँगा मैं। ठीक है, फिर इस पूरे फंक्शन को मैं इस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लूँगा और मेरे पास यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, हम यहाँ पे इसके तीन से लेकर चार क्वेश्चन करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।